हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने अकाउंट न्यू अकाउंट हेड पे काम किया था, जिसके थ्रू हम यहां पर हेड्स को ऐड कर देते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट एडिट सेक्शंस, मींस हाउ टू एडिट द एसेट्स नेम और द कोड ऑफ एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज ऑन इक्विटीज, सेल रेवेन्यू, या अगर हम चाहें तो इसके कोड हम कैसे चेंज करेंगे। तो इस के लिए हमें इस एडिट सेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर प्रीवियस वीडियो की कोड या आपको वीडियोस चाहिए तो वो आपको मिलेंगे इलिया सॉफ्ट यूट्यूब चैनल पे। नाउ क्लिक हियर और गूगल में आपको यहाँ पर इलिया सॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, और उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी यहाँ पर ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग फॉर बिजनेस। तो इसमें आपको जो है प्रीवियस जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी जो है अगर आपको यहाँ पर उसकी कोड चाहिए वीडियो की, तो सुनो क्लिक ऑन द एनी ऑन एनी वीडियो, यहाँ पर आपको वो कोड भी यहाँ पर मिल जाएगी। सुनो क्लिक हियर एंड दिस इज द लिंक ऑफ द वीडियो कोड। स्टॉप दिस नाउ, क्लिक ऑन बैक and for update video and for coming projects, now subscribe the YouTube channel and click on this bell button. इस बेल बटन के थ्रू आपको जो है अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलेगी। और बाकी सब्सक्राइब बटन जो है ये आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो आप लोगों को डबल ट्रिपल प्रोजेक्ट जो है वो एक साथ इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। अदरवाइज ऐसे ही दो दो तीन तीन वीडियो रोजाना आपको फिर मिलेंगे। तो ज़रूर हमें सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ लेट्स गो टू द एडिट सेक्शंस। सो मींस हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस सेक्शन। सो नाउ ओपन द प्रोजेक्ट, स्टॉप द डिबगिंग एंड कॉपी दिस क्रिएट सेक्शन या अकाउंट हेड। नाउ कॉपी दिस, नॉट कॉपी द एडिट अकाउंट एक्टिविटी, copy the create account head and then यहाँ पर इसको paste कीजिए। और हमें क्या करने है अब यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये इसको edit करने है, edit account head, और यहाँ पर हमें integer question mark लगाने है यहाँ पर, और यहाँ पर account head id, और फिर यहाँ पर इस account head id को हमें यहाँ पर क्या करने है अब, और अकाउंट हेड इज इक्वल टू db.tbl अकाउंट हेड डॉट फाइंड, और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जो है डेटा इसको डेटा इनिशियलाइज करना है। सो नाउ अकाउंट हेड mv डॉट और अकाउंट हेड आईडी, सो नाउ इज इक्वल टू डॉट अकाउंट हेड आईडी। फिर उसके बाद अकाउंट हेड एम वी डॉट अकाउंट हेड नेम इज इक्वल टू अकाउंट एम वी डॉट सॉरी अकाउंट हेड सॉरी यहां पर इसको टी लगा दें यहां पर पहले, हमेशा इन स्पेलिंग्स का ख्याल रखो। अकाउंट हेड डॉट नेम एंड देन अकाउंट हेड एम वी डॉट कोड इज इक्वल टू अकाउंट हेड डॉट कोड अकाउंट हेड डॉट यूजर आई डी इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हमारे पास है करंट यूजर लॉग इन, जो यूजर इसको एडिट करेगा वहाँ पर फिर वो यूजर यहाँ वहाँ पर जो है वो शो होगा, जिसने क्रिएट किया है वो नहीं, तो ये भी वहाँ पर जो है अपडेट होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अकाउंट हेड ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें अब इसको जो है यहाँ पर भी एडिट ऐड करना है अकाउंट हेड, और स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर अब हमें इसको चेक करना है। सो यहाँ पर एंड एंड और यू डॉट
account head ID is not equal to account head MV dot account head ID. इसकी बगैर चेक करो कि ये हमारे पास ऑलरेडी है क्या नहीं. तो ये हमारे पास है अकाउंट हेड आईडी, इसके बगैर ये नाम वहाँ पर चेक करेगी ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है. ओके, वंस इज दैट इज डन, फिर आपको जो है इसको यहाँ पर सेट करना है और अब हमें इसको मॉडिफाइड कर लें. सो डॉट एंट्री और इसके बाद डॉट स्टेट इज इक्वल टू मॉडिफाइड और इसको सेव चेंजेस, फिर हेड पे हमें जाना है. इसी तरह अकाउंट हेड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेव द चेंजेस. तो हमारे पास जो है एडिटर हेड अकाउंट हमारे पास हो गया. सो नाउ राइट क्लिक हियर और यहाँ पर एक क्यूटी जो है व्यू को ऐड कीजिए और हमें जो है क्रिएट अकाउंट हेड का कोड जो है उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एडिट की जगह पर इसको सिर्फ जो है क्रिएट की जगह पर सिर्फ इसको एडिट कीजिए, फिर न्यू की जगह पर भी इसको एडिट कीजिए और यहाँ पर अकाउंट हेड. तो चलिए वो ठीक है, यहाँ पर एक एडिट अकाउंट हेड, एडिट अकाउंट हेड यूजर आईडी भी सही है और ये भी अच्छा. अब ये सक्सेस से क्रिएट नहीं, इसको एडिट या चलिए इसको अपडेट यहाँ पर लिख दे कि इसको अपडेट करें और बाकी ऑल अकाउंट हेड. तो ये हमारे पास जो है एडिट सेक्शन जो है वो भी कम्प्लीट हो गया है. So now save the changes and run the application. So आपको कोड को reusability आपको सीखना याद रखो. जब आप reusability करेंगे तो आप लोग के टाइम भी कम लगेगा और जिस कंपनी में आप लोग काम करोगे वहाँ पर आप लोगों की जो है वर्कआउट का जो है उसकी जो है वो नज़र आएगा. प्रोजेक्ट मैनेजर्स को वो लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी प्रमोशन भी जल्दी होगी और आप आगे भी जाओगे. तो ये सो नाउ इट्स रन सक्सेसफुली. सो नाउ क्लिक ऑन द लॉगिन बटन. अकाउंट और यहाँ पर अकाउंट हेड. अकाउंट हेड में हमें अब जाना है एडिट पे. तो ये हमारे पास एडसर से, चलिए इसको मैं एडिट करता हूँ और इसे ये एक इसको मैं ख़त्म करता हूँ और फिर इसको अपडेट करता हूँ. अब ये देखिए हमारे पास अभी कौन सा एरर आ रहा है. इसको मॉडिफाइड और सब चेंजेस में हमें क्या जो है यहाँ पर एंटिटी में बीन मॉडिफाइड आर डिलीटेड सिंस एंटिटी वाज लोडेड स्टोर अपडेट इंसर्ट एंटिटी स्ट्रेटजी को यहाँ पर हमने इसको मॉडिफाइड कर दिया और फिर डीबी डॉट सब चेंजेस. Okay. अब यहाँ पर पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ और कुछ चेंजेस यहाँ पर बाकी है उसको भी कर देता हूँ. सो नाउ गो टू द इसको क्लोज कीजिए यहाँ पर और एडिट सेक्शन में यहाँ पर आप आ जाइए. यहाँ पर हमने एक चीज को यहाँ पर ऐड नहीं किया और वो हमारे पास क्या है, न्यू अकाउंट हेड डॉट अकाउंट हेड आई डी इज इक्वल टू अकाउंट हेड एम वी डॉट अकाउंट हेड आई डी. फिर इसको सेव कीजिए और फिर इसको रन कीजिए और यहाँ पर मैं एक ब्रेकर लगाता हूँ और चेक करता हूँ इसको. अगर इससे भी ना हो जाए तो फिर मैं एक सिंपल सोल्यूशन आपको एक और बताता हूँ कि फिर आपको इसको कैसे करना है. पहले तो इस केस में वो अपडेट हो जाएगी, बाकी मैं आपको प्रॉपर तरीका जो है वो अगर यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ तो फिर वह आपको जो मेन जो प्रॉपर जो एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन में यूज है जो तरीका, फिर मैं आप लोगों को वो बताता हूँ क्या वो आपको कैसे करना है. लेकिन मैं इसलिए ये मुख्तलिफ तरीके यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि जो मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको समझा सकूँ, वो भी आपको सिखा सकूँ. क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मतलब एडवांस तरीक़े होते हैं वो काम नहीं आते, जो मतलब बाज़ औक़ात इंसान यूज़ करते हैं वो आपके काम आ जाते हैं, बाज़ ऐसे जो है वो वहाँ पर बहुत ज़रूरी फिर होता है. तो वो चीज़ें भी मैं आपको इसलिए जो है इसको सेट करता हूँ. ये देखिए अब ये अपडेट हो जाए, देखिए ऐसा नहीं है. इसको अब मैं दोबारा जो है यहाँ पर इसे ऐड करता हूँ
इसको खत्म करें यहाँ से, तो ये हमारे पास जो है अब ये अपडेट हो गया। अब मैं काम करता हूँ यहाँ से इसे एसेट्स को कॉपी करता हूँ, या चलिए लाइबिलिटीज को कॉपी करता हूँ और इस सेल रेवेन्यू को जो है इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं जैसे अपडेट करूँगा यहाँ पर मैसेज होगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एडिट सेक्शन जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। क्या हाउ टू एडिट द अकाउंट हेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।